stacking. स्टैकिंग किस लिए यूज होती है? मल्टीपल फिजिकल स्विचेस को एग्रीगेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंगल लॉजिकल स्विच बना सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे इसके रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, दो केसेस बनते हैं, पहला केस बताऊंगा, दूसरा केस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग VSS से डिस्कस करेंगे, उस टाइम बताऊंगा VSS कंप्लीट करने के बाद में। ठीक है, तो देखो यार, नॉर्मली क्या होता है, लेट्स सपोज हमारी एक कंपनी है, उस कंपनी में एक स्विच कनेक्टेड है और ये 24 पोर्ट का स्विच है और यहाँ पे कुछ मशीन्स थी, 20 मशीन्स थे, तो ये 20 मशीन हमने क्या कर लिया, एक दूसरे से इनको कनेक्ट कर लिया, ये आपस में कम्युनिकेट कर रही होंगी। अब थोड़े टाइम के बाद में क्या हुआ, 2-3 साल बाद में हमारी कंपनी ने थोड़ी ग्रोथ करी और कुछ और नए यूज़र हमने, थोड़े और एम्प्लॉयज़ हमने क्या कर लिया, हायर कर लिया, तब होगा क्या, हमें उनके लिए भी कुछ मशीन्स परचेज करनी पड़ेगी, तो उनको कनेक्ट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, एक फिर से एक स्विच चाहिए होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ और नए 20 मशीन्स आई तो हमने एक और स्विच परचेज कर लिया 24 पोर्ट का, इनको आपस में कनेक्ट कर लिया इस तरह से। तो अब क्या होगा, ये लाइन यूज़र जो हैं वो इन लाइन यूज़र को क्या कर पा रहे होंगे, कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे, बट ये जो लिंक है हमारा, ये लिंक सभी लाइन यूज़र क्या कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, बैंडविड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे मल्टीपल लिंक यूज़ कर सकते थे और इन मल्टीपल लिंक को हम लोग, अब ईथर चैनल क्या करता था, ईथर चैनल इनमें से 3 पोर्ट्स को ब्लॉकिंग स्टेट में डाल देगा, एक ही पोर्ट क्या रहेगा, फॉरवर्डिंग में रहेगा इनमें से। मैंने क्या बोल दिया, हाँ हाँ STP, ठीक है। तो STP क्या करेगा, STP इन पोर्ट्स को क्या करेगा, ब्लॉकिंग स्टेट में डाल देगा और ये क्या करेगा, ये आपका एक पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में चला जाएगा। तो एट ए टाइम लिंक कितने यूटिलाइज होंगे, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे इन फिजिकल लिंक को एग्रीगेट करवा लेते थे और एक पोर्ट चैनल बन जाता था, पोर्ट चैनल 10। और STP किस पे काम करता था, इस पोर्ट चैनल पे वर्क करता था ना, ये पोर्ट चैनल तुम्हारा DP और ये वाला पोर्ट चैनल RP बन जाता था और ये सारे के सारे लिंक यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाते थे। हम लोग ये चारों लिंक यूटिलाइज कर पा रहे थे डेटा फॉरवर्ड करने के लिए। तो अब ये सारे लाइन यूजर इनको जब कम्युनिकेट करेंगे, स्पीड कितनी मिलेगी, टोटल स्पीड कितनी है, अब 400 MBPS का ये लॉजिकल लिंक बनेगा। पहले सिर्फ जो लिंक था वो कितने MBPS का था, वो सिर्फ 100 MBPS का लिंक था, चार लिंक इसमें हमने एग्रीगेट करवा रखे, तो 100 MBPS का ना हर एक लिंक, तो आपको अराउंड 400 MBPS का एक वो एक लॉजिकल लिंक बनेगा। अगर आपके पास में 8 लिंक आपने एग्रीगेट करवा रखे हैं तो 800 MBPS का वो लॉजिकल लिंक बनेगा, मतलब वो सारे के सारे 8 लिंक यूटिलाइज हो रहे होंगे तुम्हारे डेटा फॉरवर्ड करने के लिए। समझ में आ रही है ना बात। अब हुआ क्या, फिर से हमारी कंपनी में कुछ और नए एम्प्लॉयज़ आ गए, नए और हायर कर लिए हमने, तो उनके लिए भी कुछ मशीन्स कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो हम लोग एक और स्विच लेके आए। तो इनको भी अब एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा, स्विचेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इस स्विच पे नंबर ऑफ पोर्ट कितने थे, लाइन यूजर कितने कनेक्टेड थे, 20। स्विच कितने पोर्ट का था, 24 पोर्ट का, 4 पोर्ट तो यहां पे यूज हो गए इस पोर्ट पे, इस स्विच पे तो कुछ कोई पोर्ट फ्री बचे ही नहीं। समझ में आ रही है ना बात, प्रॉब्लम है कि नहीं है ये। ठीक है, चलो ठीक है, इनमें से 2-4 मशीन्स आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दी इस नए वाले स्विच पे, तो स्टिल यहाँ पे आपको कितने लिंक जो है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उनको कनेक्ट कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। अब होगा क्या, इस तरह से थोड़े और मशीन आपकी ऐड होंगी, तो फिर से आप स्विच ऐड करते रहोगे, इथर चैनल क्या करते रहोगे, आप फॉर्म करवाते रहोगे। मतलब अब होगा क्या, लेट्स सपोज यहाँ पे
ये 20 यूजर यहाँ पे है, 20 यूजर यहाँ पे है, 20 यूजर यहाँ पे और 20 और यूजर आ गए। टोटल नंबर ऑफ यूजर कितने हो गए, 60 यूजर हो गए। वो 60 यूजर जब इन 20 मशीन्स को कम्युनिकेट करेंगे तो ये 400 Mbps को कितने लैन यूजर एक्सेस कर रहे होंगे, 60 लैन यूजर एक्सेस कर रहे होंगे। तो इस लिंक की, इस लॉजिकल लिंक की भी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। और सारे के सारे पोर्ट देखो यहाँ पे 8 पोर्ट तो यहाँ पे स्विचेस को कनेक्ट करने के लिए यूज हो रहे हैं। मशीन कहाँ कहाँ कनेक्ट करोगे, अरे 24 पोर्ट का स्विच है आपके पास में, तो आपने 8 पोर्ट तो कहाँ पे यूज कर लिए, स्विचेस पे यूज कर लिए। या फिर मैं क्या करता हूँ, अब स्पीड कम आएगी तो मैं यहाँ पे मुझे कितने पोर्ट यूज करने पड़ेंगे, मैं 8 पोर्ट यूज कर लेता हूँ, 8 पोर्ट यूज कर लेते हैं ईथर चैनल में, 8 पोर्ट यहाँ पे हो जाएंगे, मतलब इस स्विच के कितने लिंक ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तुम्हारे, 16 लिंक यूज हो जाएंगे, रिमेनिंग लिंक बचे कितने, 8 लिंक। क्या आप 8 मशीन ही कनेक्ट करोगे एक स्विच पे, स्विच पे क्या, तो प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये प्रॉब्लम है ना ये, जब हम लोग इस तरह से ईथर चैनल वगैरह फॉर्म करवाएंगे तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो ये है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इन मल्टीपल फिजिकल स्विचेस को एक लॉजिकल स्विच में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैकिंग यूज करके। होगा क्या, ये जो हमारे पास में स्विचेस आते हैं, एक 3750 जो सीरीज के स्विचेस है ना, 3750 38 सीरीज के जो स्विचेस हैं, उनमें आपको दो अलग से पोर्ट मिलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्टैक पोर्ट, दो अलग से स्टैक पोर्ट होंगे उनपे। देखो कुछ तो इनपे RJ45 के पोर्ट तो रहते ही हैं, है ना, इनपे बैक साइड में दो अलग से और आपको इस तरह से पोर्ट देखने को मिलेंगे, स्टैक पोर्ट। ये लो एक और स्विच है मेरे पास में, पहले ये अलग अलग फिजिकल स्विचेस थे, हम लोग क्या करेंगे, ये दो स्विचेस है मेरे पास में, अब इन दोनों स्विचेस को हम लोग क्या करेंगे, एक लॉजिकल स्विच में क्या कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप, हमारे पास में क्या होगा, एक स्टैक वाइज केबल आती है, क्या आती है, एक स्टैक वाइज केबल, एक स्पेशल केबल होगी स्टैक वाइज केबल, वो यूज होगी। आप क्या करोगे, फर्स्ट पोर्ट से इसके सेकंड पोर्ट पे, और ये केबल इस तरह से क्या कर लोगे आप, इवन आप ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप ऐसे भी कनेक्ट कर ही सकते हो, मैं एक केबल भी यूज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दो केबल क्यों यूज कर रहा हूं, अगर एक केबल आपकी डाउन हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो दूसरी केबल से उनका कम्युनिकेशन होता रहे। आप क्या करोगे, आप इन दोनों स्विचेस को एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, और कनेक्ट करके एक ये क्या बन जाएगा आपका, एक लॉजिकल स्विच बन जाएगा स्टैक वाइज केबल से। और ये जो केबल है ना आपकी, इसकी जो स्पीड होती है वो 32 गिग होती है, स्टैक वाइज जो केबल है उसकी स्पीड कितनी रहती है, 32 गिग रहती है। और हम लोग क्या कर लेंगे, इन मल्टीपल फिजिकल स्विचेस को कंबाइन करके एक लॉजिकल स्विच बना लेंगे। तो अब यहां पे इस स्विच पे कुछ लैन यूजर अटैच है इन RJ45 पोर्ट पे, और यहां पे भी, तो वो जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वो तो डेटा किस लिंक से जाएगा, स्टैक वाइज केबल से ही जाएगा, आपको अलग से RJ45 पोर्ट को यूज करने की जरूरत नहीं है, बात आ रही है समझ में। और होगा क्या, ये दोनों स्विचेज जो है वो कंबाइन होकर एक सिंगल स्विच बन जाएंगे, एक लॉजिकल स्विच बन जाएगा। अब होगा क्या, इन दोनों में से एक स्विच क्या बनेगा, अब देखो मैक्सिमम जो स्विचेस हम लोग स्टैक वाइज में जो अटैच कर सकते हैं, कितने अटैच कर सकते हैं पहले वो बता देता हूं, 3। टोटल नंबर ऑफ स्विचेस कितने यूज कर सकते हैं आप, हैं 9, कितने 9 स्विचेस आप कंबाइन करके एक लॉजिकल स्विच बना सकते हो। तो हर एक स्विच में कितने स्टैक वाइज पोर्ट होंगे, और भी रख सकते हो, iOS अभी आएंगे उस पर रिक्वायरमेंट पे। अब ये देखो, अब इनकी कनेक्टिविटी कैसे बनाओगे, स्टैक वाइज केबल कैसे कनेक्ट करोगे, मैंने सेकंड फर्स्ट पे कनेक्ट कर लिया, इसका भी सेकंड फर्स्ट पे कनेक्ट कर लिया, इसका भी सेकंड फर्स्ट पे कनेक्ट कर लिया, और इसका फर्स्ट सेकंड से कनेक्ट कर दें, एक रिंग बन जाएगा इसका, ये रिंग बन रहा है ना आपका। अब होगा क्या, मैक्सिमम आप यहाँ पे जो स्विचेस एक स्टैक में जो आप ऐड कर सकते हो वो कितने कर सकते हो, 9 स्विचेस आप ऐड कर सकते हो। अब होगा क्या, इनमें से एक स्विच क्या बनेगा,
मास्टर स्विच बनेगा और बाकी जितने भी स्विचेज है वो क्या रहेंगे, स्लेव स्विचेज रहेंगे। और इन स्विच को एक नंबर भी असाइन होगा। मास्टर स्विच को नंबर क्या मिल गया, 1, जैसे इस सेकंड स्लेव को नंबर 2 है, इस स्विच का नंबर 3 है, नंबर क्या है, 4 है। इन स्विचेस के क्या होंगे, नंबर। ये कंबाइन होके एक सिंगल स्विच बन चुके हैं। और जो मास्टर स्विच होगा ना, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी मास्टर स्विच पे आप करोगे, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, CDP चलाना है, DTP चलाना है, पोर्ट आपने असाइन करवाने हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है सारी की सारी किस पे होगी, मास्टर स्विच पे होगी। मतलब जो भी कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक जो हैंडल करेगा वो कौन हैंडल करेगा, मास्टर स्विच। मतलब जो आपका कंट्रोल प्लेन जो है वो एक सेंट्रलाइज स्विच पे, क्या एक मास्टर स्विच पे क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा कंट्रोल प्लेन। इनका कंट्रोल प्लेन यूज नहीं होगा। अब देखो क्या होगा, एक स्विच क्या बन गया, मास्टर स्विच बन गया। अब आपने एक चीज देखी होगी, आप एक कमांड चलाते हो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, स्विचेस पे आपको पोर्ट दिखाता है काफी सारे। पोर्ट नंबर कैसे होते हैं, फास्ट इथरनेट 1/0/1, फास्ट इथरनेट 1/0/2, इस तरह से शो करता है ना। कई बार हमें दिखाते हैं वहां पे शो करता है पोर्ट नंबर फास्ट इथरनेट 2/0/1 या लाइक 5/0/1, ऐसा क्यों होता है वो बताता हूं। अब होगा क्या, आपने एक इस स्विच पे क्या रहेगा, कंसोल पोर्ट भी रहेगा। कंसोल पोर्ट से स्विच को आपने जो भी, अब ये लॉजिकली एक स्विच बन चुका है, आप कंसोल से किसको एक्सेस करोगे, आप मास्टर को एक्सेस करोगे। अब जब यहां पे आप पुटी ओपन करोगे ना, तो उस पुटी में जब आप कमांड एग्जीक्यूट करोगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आपको अब ये कंबाइन होके एक सिंगल स्विच बन चुका है, अब आपको सारे पोर्ट दिखाएगा। अब स्विच वन के पोर्ट नंबर कैसे दिखाएगा, यहां से रेंज चलेगी फास्ट इथरनेट 1/0/1, 1/0/2, 1/0/3, फिर स्पेस की प्रेस करोगे, फिर स्विच टू के पोर्ट नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, फास्ट इथरनेट 2/0/1, 2/0/2, 24 तक दिखाएगा। देन आपको शो करेगा पोर्ट नंबर फास्ट इथरनेट 3/0/1 से कहां तक, 24 तक। देन वो पोर्ट दिखाएगा तुम्हें फास्ट इथरनेट 4/0/1, 2, 3, 4, इस तरह 24। मतलब जो ये फर्स्ट जो नंबर होता है वो पता चला किस चीज का नंबर है, ये आपके एक स्टैक वाइज के अंदर जो हमारे स्विचेस कनेक्टेड है उस स्विच का नंबर है, ये स्टैक नंबर है एक्चुअली। अरे पोर्ट नंबर होते हैं ना हमारे 1/0/2 या 2/0/1, जो फर्स्ट नंबर होता है वो पता चला। और बाय डिफॉल्ट जो हमारे स्टैक वाइज स्विचेस है, जब तुम लोग उनको एक्सेस करते हो तो उनको नंबर क्या दे रखा होता है, कुछ स्विचेस पे तो स्विच को नंबर मिला होता है 1 स्टैक वाइज में बाय डिफॉल्ट, तो उनके पोर्ट शो करता है हमें 1/0/1 से लेकर 24 तक। कुछ स्विचेस का वहां पे नंबर सेट होता है क्या, 2। उन स्विचेस पे जब आप पोर्ट नंबर चेक करते हो ना शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, पोर्ट नंबर की रेंज क्या रहती है, 2/0/1 से लेकर 24 पोर्ट तक। इतनी बात समझ में आई, उस स्विच पे जाके उसका नंबर चेंज कर दो। स्विच का नंबर क्या था उनका, एक्चुअली आपने स्टैक वाइज में कनेक्ट नहीं किया हुआ, यहाँ पे रैक के अंदर है ना, हमने कोई स्टैक वाइज केबल थोड़ा ना कनेक्ट करी, हमने कंबाइन करके एक स्विच थोड़ा ना बनाया, वो अलग अलग स्विचेज है ना, फिजिकल स्विचेज। तो आप उन स्विच पे जाके क्या करोगे, जिस स्विच पे पोर्ट नंबर क्या दिखा रहा है, 2/0/1 दिखा रहा है या 3/0/1 दिखा रहा है, उस स्विच का नंबर क्या कर दो स्टैक वाइज में, चेंज कर दो, क्या कर दो, 1। उस स्विच का जो पोर्ट है वो कैसे शो करना स्टार्ट कर जाएगा, 1/0/1 से 24 तक। बात आगे समझ में क्लियर है इतनी चीज। अब चलो ठीक है, अब यहां पे कुछ लैन यूजर कनेक्टेड थे, लेट्स सपोज ये एक लैन यूजर है यहां पे, एक लैन यूजर है यहां पे, ये दोनों VLAN 10 में है, वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे यहीं से, और एक लैन यूजर इस स्विच पे भी है, दो ये लैन यूजर इस स्विच पे भी है, ये भी किस में है, VLAN 10 में है। तो अब इन VLAN 10 वाले लैन यूजर्स ने इन VLAN 10 वाले लैन यूजर्स को कम्युनिकेट करना है, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, डेटा ट्रैफिक कहां से जाएगा, स्टैक वाइज केबल से जाएगा। मतलब एक्चुअली ये दोनों स्विचेस क्या है, ये जितने भी स्विचेस जो है वो क्या है, एक सिंगल स्विच बन चुके हैं, और ये जो जितने भी स्विचेस हैं वो क्या हो गया, एक सिंगल स्विच बन गया, अब ये मल्टीपल स्विचेस है ही नहीं। RJ45 पोर्ट से हम लोग इनको कनेक्ट नहीं करेंगे, स्टैक वाइज से कनेक्टेड होंगे, हमें यही दिखेगा कि सारे के सारे स्विचेस क्या है, एक सिंगल स्विच है, कंट्रोल प्लेन हमारा सेंट्रलाइज हो जाएगा, मास्टर स्विच पे चला जाएगा। जो भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे कहां पे करोगे, लेट्स सपोज ये पोर्ट नंबर क्या है इसका, पोर्ट नंबर 1/0/1, पोर्ट नंबर 1/0/1,
वन। इस स्विच पे भी दो लैन यूजर अटैच्ड है। इसके पोर्ट नंबर क्या है, 2/0/, या फिर मैं इनको ना नंबर वो ही ले रहा हूं, क्या 0/1 है इस पोर्ट का नंबर, 0/1, 0/2। इस यहां पे भी दो लैन यूजर अटैच्ड है, इसका पोर्ट नंबर है 0/1 ये और 0/2। अब आपने यहां पे इस पुट्टी पे एक्सेस किसको किया हुआ, आपने मास्टर को एक्सेस किया हुआ ना, मास्टर का कंसोल एक्सेस किया हुआ है, तो एक्चुअली कंबाइन होके एक सिंगल स्विच बन चुका है। अब यहां पे आपको कुछ पोर्ट शो कर रहा होगा 1/0/1, किसके पोर्ट होंगे वो, स्विच 1 के होंगे, 1/ वाली जो रेंज होगी, और 2/0/1 224 वो किसके पोर्ट होंगे। अब आप वीलैन कहां पे बनाओगे, यहीं पे वीलैन बनाओगे, एक सिंगल स्विच है अभी ये, आपने वीलैन बनाए कौन से, वीलैन 10 बनाया यहां पे, ठीक है। वीलैन 10 बनाने के बाद में अब क्या होगा, अब आपने पोर्ट असाइन करवाने हैं कौन कौन से वीलैन 10 में, तो आप एक कमांड चलाओगे इंटरफेस रेंज 1/0/122 स्पेस कॉमा फास्ट इथरनेट 2/0/122, एंटर प्रेस करोगे आप इन सभी चार पोर्ट पे चले जाओगे और वहां पे जाके कमांड एग्जीक्यूट करवाओगे आप स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, तो ये सारे के सारे पोर्ट किस वीलैन में चले जाएंगे, वीलैन 10 में चले जाएंगे, और ये लैन यूजर एक दूसरे से क्या कर पा रहे होंगे, कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे, मतलब जितना भी कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक है वो सारा का सारा हमारा क्या हो गया, सेंट्रलाइज हो गया। क्लियर है ये चीज, इसमें किसी को कोई डाउट। अब ये जितने भी स्विचेस हैं वो सारे के सारे एक सिंगल स्विच की तरह एक्ट करेंगे, और जो ये स्टैक वाइज केबल है इसकी जो स्पीड रहेगी 32 GBPS की रहेगी। बात आगे समझ में, अब हमें वो मल्टीपल इथरनेट पोर्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो स्विचेस को कनेक्ट करने के लिए वहां पे इथर चैनल फॉर्म करवाएंगे तो वहीं पे यूज हो जाएंगे हमारे पोर्ट्स, पोर्ट्स तो फ्री मिलेंगे नहीं लैन यूजर कनेक्ट करने के लिए। अब हमारे यहाँ पे RJ45 सारे के सारे पोर्ट्स क्या है, फ्री पड़े हैं, हम लोग ये सारे RJ45 पोर्ट क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। अब आ जाओ यहाँ पे, अब बात करेंगे इनमें से मास्टर स्विच कौन बनेगा। देखो एक स्विच बनेगा मास्टर, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, स्लेव स्विच हो जाएंगे। तो इलेक्शन पहले लिख लो, मास्टर स्विच क्या होता है, ये क्या होगा, वो जो मेन स्विच होगा जिसका जिसके ऊपर हमारा जिसका कंट्रोल प्लेन यूज होगा। कंट्रोल प्लेन कहां पे सेंट्रलाइज हो जाता है, मास्टर स्विच पे। ठीक है, दिस स्विच will control stack wise को यही control करेगा जो master switch रहेगा। देखो अब नंबर वगैरह भी चेंज करने हैं कोई भी, लाइक स्विच 4 को मैंने नंबर 5 देना है, तो मास्टर स्विच पे ही आप करोगे जो भी करोगे, ठीक है, जो भी चेंजेस रहेंगे। और स्लेव जो रहेगा, बाकी जो सारे स्विचेज हैं वो बस स्टैक वाइज में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वो स्लेव रहेंगे, उनका कंट्रोल प्लेन यूज नहीं होगा। मतलब जो CDP DTP वगैरह मैसेजेस जनरेट करना है तो कंट्रोल प्लेन यूज होगा ना, कंट्रोल प्लेन किसका यूज होगा, मास्टर स्विच का, ठीक है। और जो रिमेनिंग स्विच है, रिमेनिंग स्विच विल बी स्लेव। अब बात करते हैं इलेक्शन क्राइटेरिया क्या है मास्टर एंड स्लेव का।
इलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ मास्टर स्विच लिखो। तो मास्टर स्विच का जो इलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है, पहले क्या देखता है वो, हाईएस्ट प्रायोरिटी। जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी वो स्विच क्या बनेगा, मास्टर स्विच बनेगा। और प्रायोरिटी की रेंज क्या होती है, 1 to 15। और बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है स्विचेस पे, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है 1। ठीक है, अगर प्रायोरिटी सभी स्विचेस पे सेम है तो मास्टर कौन बनेगा, जिसका मैक एड्रेस क्या होगा, लोएस्ट रहेगा, वो स्विच क्या बन जाएगा, मास्टर स्विच बन जाएगा। और एक्चुअली ऐसा नहीं होता, जो स्विच पहले अप आएगा, जो स्विच पहले अप आएगा वो मास्टर बनेगा, बाकी सेकंड स्विच जो अप आ रहा है तो वो क्या बनेगा, वो स्लेव बनेगा। समझ में आ रही है ना बात। बट हाँ, एट ए टाइम दोनों स्विचेस हमने क्या किए, ऑन किए, स्टैक वाइज केबल अटैच करी, दोनों स्विच एक ही टाइम पे हमने ऑन किए। तो अब क्या होगा, अब इलेक्शन होगी किसकी, मास्टर एंड स्लेव की। तो कौन सा बनेगा, जिस स्विच की प्रायोरिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, वो स्विच क्या बन जाएगा, मास्टर। बात आ रही है समझ में। और अगर प्रायोरिटी दोनों पे सेम है देन जिसका मैक एड्रेस जो लोअर होगा वो स्विच क्या बन जाएगा, मास्टर स्विच बन जाएगा। अब पता कैसे चलेगा मास्टर स्विच कौन सा है और स्लेव स्विच कौन सा है। मास्टर स्विच पे ना हमारे स्विचेस पे कुछ एलईडीज लगी होती हैं। एलईडी में ना एक अगर ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है तो स्विच कौन सा है, वो मास्टर स्विच है, मास्टर। अरे देखो, मेरे पास में अगर कंसोल मैंने लिया हुआ है तो मैं चेक कर सकता हूं कौन सा स्विच मास्टर स्विच बना हुआ है, चेक कर सकते हो ना। स्टैकिंग की कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे पता चल जाएगा कौन सा स्विच मास्टर बना है। बट मेरे पास में कंसोल नहीं है, मैंने फिजिकली डिवाइसेस कनेक्टेड है स्टैक में और मैंने चेक करना है, मैंने देखना है कौन सा स्विच मास्टर स्विच है। तो जिस पे ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही होगी वो स्विच क्या बना होगा, मास्टर स्विच बना होगा। ठीक है, और स्लेव कौन सा होता है जिसपे, एम्बर लाइट जो ब्लिंक करेगी वो स्विच क्या होगा तुम्हारा, वो स्विच कौन सा होता है। अरे लाइट होती है उस पे लिखे, ग्रीन लाइट एक स्टैक वाइज की एक अलग से एक वहां पे क्या होगी, एक एलईडी होगी। हाँ, अगर वहां पे ग्रीन वो वाली एलईडी ग्रीन है तो मास्टर है वो, अगर एम्बर लाइट है तो स्लेव है। आगे बात समझ में। फिजिकली अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्विच मास्टर है एंड कौन सा स्विच स्लेव है। अब एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। अब हमारे पास में स्विच पे दो रैक में दो स्विचेज हैं, स्विच वन एंड स्विच टू, और इन दोनों स्विचेज पे दो स्टैक वाइज पोर्ट हैं और हमारे पास में केबल एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जो केबल है वो इन दोनों स्विच के बीच में क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। इन दोनों में से एक स्विच को क्या बना लेंगे, मास्टर, और दूसरे को क्या बना लेंगे, स्लेव। तो मैं ये केबल कनेक्ट करने से पहले एक काम करेंगे, एक तो इनके मैक एड्रेस चेक कर लेते हैं स्विच वन के एंड टू के। और स्विच वन को मैं स्टैक वाइज में नंबर क्या दे दूंगा, 1। और स्विच टू को मैं स्टैक वाइज में नंबर क्या दे दूंगा, 2। और स्विच वन को हम लोग क्या बना लेंगे, मास्टर। और मास्टर बनाने के लिए मैं यहां पे इसकी प्रायोरिटी क्या सेट कर लूंगा, 15। और इस पे प्रायोरिटी है कितनी, 1। तो जैसे ये दोनों स्विचेस अप आएंगे तो मास्टर कौन बन जाएगा, स्विच वन मास्टर बन जाएगा। और तुम देखोगे उसके पोर्ट नंबर तुम्हें दिखा रहा होगा 1/0/1 से, और स्विच टू के पोर्ट नंबर दिखा रहा होगा 2/0/1 से। मैं स्विच सिर्फ स्विच वन को एक्सेस करूंगा, मुझे दोनों स्विचेस के पोर्ट शो करेगा, स्टैक पोर्ट पे नहीं चलेगा। ओके, अरे वो कंबाइन होके एक स्विच बन चुका है। लेकिन हाँ, इसके RJ45 पोर्ट से अगर कोई STP का मैसेज जाता है ना, अरे BPDU जाएगा इस पोर्ट से, किस स्विच से, ये मास्टर बना है और ये क्या बना है,
स्लेव। एक्चुअली कंट्रोल प्लेन कौन कंट्रोल कर रहा है? मास्टर। तो ये क्या कर रहा होगा, हर एक विलन के लिए क्या जनरेट करेगा, एक बीपीडीयू जनरेट करेगा आफ्टर एवरी 2 सेकंड। लेट सपोज विलन 10 के लिए इसने बीपीडीयू, या विलन 1 के लिए उसने क्या जनरेट किया, बीपीडीयू। तो यहां पे वो कुछ पोर्ट्स थे कनेक्टेड, सारे के सारे किस में थे, विलन 1 में थे, तो इन पोर्ट से वो एक बीपीडीयू भेज देगा। बट इन यहां पे भी कुछ पोर्ट्स है जो विलन किस में है, 1 में है, इन से भी तो वो बीपीडीयू जाना चाहिए। तो बीपीडीयू फिर किसके थ्रू जाएगा, स्टैक वाइज केबल से इधर वो क्या करेगा, पास करेगा, और स्टैक वाइज केबल से पास करके इन सभी पोर्ट से क्या कर देगा, वो बीपीडीयू ट्रांसमिट कर देगा। लेकिन ये स्टैक वाइज पोर्ट जो है ना, वो एसटीपी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, इन पे एसटीपी काम नहीं चल रहा हो, काम नहीं कर रहा होता। एक्चुअली स्टैक वाइज तो इन दोनों स्विचेस को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। एक्चुअली अब ये दोनों स्विचेस ये हो जाएंगे, देखो ऐसे हो जाएंगे, स्विच 1 है, स्विच 2 है, ये दो अलग अलग फिजिकल स्विचेस थे, और इन दोनों फिजिकल स्विच में के बीच में मैंने ये क्या यूज कर लिया, एक स्टैक वाइज केबल यूज कर ली, कनेक्ट कर लिया। अब क्या हो गया, ये स्विचेस ये बन गए, एक लॉजिकल स्विच, यहां पे पोर्ट लगा लो। अब ये पोर्ट नंबर 1/0/1 है, 1/0/2 है, 1/0/3 पोर्ट, ये लेट सपोज दूसरे स्विच के पोर्ट है, 2/0/1, 2/0/2, 2/0/3, 2/0/4, इस तरह से अब आपको पोर्ट शो करेगा। एक्चुअली ये इनके स्विच, ये हमारा स्विच को, ये हमारा मास्टर था, इसको मैंने नंबर 1 दे रखा है, ये मेरा स्लेव था, इसको नंबर क्या दे रखा है, 2। तो इसके जो पोर्ट नंबर दिखाएगा वैसे दिखाएगा, इसके पोर्ट नंबर ऐसे। हाँ, अब इन दोनों स्विचेस को आपने एक्सेस करना है, कंसोल एक्सेस करना है, तो किसका एक्सेस करोगे? अब ये एक्चुअली लॉजिकल स्विच है, तो कंसोल किस वाले पे कनेक्ट करोगे, मास्टर वाले पे कनेक्ट कर लो। आपको यहां पे कंट्रोल प्लेन तो सेंट्रलाइज है, वो आपको शो करेगा, जो भी विलन बनाओगे वो विलन बनते रहेंगे तुम्हारे। इन दोनों का कंट्रोल प्लेन क्या हो चुका है, सेंट्रलाइज हो चुका है एक डिवाइस पे। अब ऑब्वियस ही बात है, इस स्विच पे कंट्रोल प्लेन आपका यूज हो रहा है, तो ये क्या जनरेट करेगा, एसटीपी जनरेट करेगा, सॉरी एसटीपी का एक मैसेज जनरेट करेगा, बीपीडीयू मैसेज जनरेट करेगा। तो लेट्स सपोज इन दोनों स्विचेस पे कौन सा विलन बना हुआ है, विलन 1 बना हुआ है, विलन एक ही होगा ना दोनों के लिए वैसे, ठीक है। तो अब विलन 1 का बीपीडीयू भेजेगा, सारे के सारे पोर्ट किस विलन में है, विलन 1 में, तो इस पोर्ट से भी बीपीडीयू जाएगा, इस पोर्ट पे भी बीपीडीयू जाएगा, इस पोर्ट पे भी बीपीडीयू जाएगा। एक्चुअली ये तो इस फिजिकल स्विच पे ही है, ठीक है। और जो बीपीडीयू इन पोर्ट से भेजने हैं, वो इन पोर्ट से कैसे जाएंगे, इन स्टैक वाइज केबल के थ्रू होके, ये पोर्ट नंबर 0/1, 2, 3, 4 था ना, तो इस तरह से भेज देगा, स्टैक वाइज केबल से हर टाइप का ट्रैफिक जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि पोर्ट तुम्हारा एसटीपी के लिए डीपी बन जाएगा, आरपी बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये यूज हो रहा है दोनों स्विचेस को कंबाइन करने के लिए, दैट्स इट। आगे बात समझ में? यहाँ पे कौन से मैसेजेस शेयर होंगे, ये कंबाइन हो चुका है, कंबाइन हो गया। ओके, अब एक काम करते हैं, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली प्रूव करके देख लेते हैं। इसके लिए फिलहाल मैं रैक में स्विच 1 एंड स्विच 2 एक्सेस करूंगा पहले, और उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके पहले से ही रख लेता हूँ, फिर उसके बाद में मैं स्टैक वाइज केबल कनेक्ट करूंगा इन दोनों स्विचेस के बीच में। स्विच 1, ये देखो सामने होस्ट नेम इज स्विच 1, और मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इनके पोर्ट नंबर कैसे दिखा रहा है, 1/0/1। एक्चुअली इस स्विच को जो स्टैक नंबर मिला हुआ वो क्या मिला हुआ है, 1 मिला हुआ है। मैं स्विच 2 एक्सेस करता हूं, अभी देख लेंगे इसको। स्विच 2 क्लियर लाइन 38 स्विच 2, होस्ट नेम इज स्विच 2, एंड देखना शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ,
इस पे पोर्ट नंबर जो शो कर रहा है वो कैसे शो कर रहा है, 1/0/1। अब इसका स्टैक वाइज की कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, स्टैकिंग की कमांड चलाओगे शो स्विच, शो स्विच। देखो यहां पे इस स्विच को नंबर क्या मिला हुआ है, 1। रोल क्या मिला हुआ है इसको, और ये क्या है इसका, और ये देखना, और स्टेट क्या बता रहे। और हां, जब भी हम लोग दो स्विचेस को या मल्टीपल स्विचेस को कंबाइन करके एक स्टैक वाइज में ऐड कर रहे हैं, एक लॉजिकल स्विच बना रहे हैं, ट्राई करो उनके ऊपर जो आईओएस है वो सब पे क्या रहे, सेम। फेल ओवर के केस में अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी, जैसे अगर मास्टर डाउन हो गया तो बाकी जो स्लेव है उनमें से एक क्या बनेगा, मास्टर बनेगा, तो फेल ओवर के केस में इश्यू आ सकता है। इसीलिए वहां पे आपने क्या रखना है, ट्राई करना है कि जितने भी हमारे स्विचेस है उन पे सब पे जो आईओएस वर्जन है वो क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। तो देखो ये रेडी है, इसकी स्टेट क्या है, रेडी दिखा रहा है, और ये रोल मास्टर। एक्चुअली ये किसी के अंदर अभी एक स्टैंड अलोन स्विच है ना, ये अभी हमने स्टैक वाइज तो केबल कनेक्ट करी नहीं है, तो ये अपने आप में क्या बना हुआ है, मास्टर बना हुआ है। स्विच टू पे चेक करूं, शो स्विच, इसको भी नंबर क्या मिला हुआ, 1 मास्टर, और ये क्या है, इसका मैक एड्रेस है। अब एक काम करते हैं, स्विच टू को मैं नंबर 2 दे दूं, नंबर 2 दे देते हैं हम लोग, बाद में इनकी केबल क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे स्टैक वाइज केबल। तो स्विच 1 री नंबर, एक्चुअली इसका स्विच का नंबर क्या है, 1, और इस स्विच 1 का जो नंबर है मैं उसको क्या कर रहा हूं, री नंबर कर रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, 2 कंफर्म करने के लिए बोल रहे, कंफर्म किया। ये इफेक्टिव कब होगा, जब ये स्विच क्या होगा, रीलोड होगा। तो मैं इस स्विच को रीलोड कर देता हूं एक बार, वेट करो, अब इस स्विच को नंबर क्या मिल जाएगा, नंबर 2। और अब तुम देखोगे जो स्विच 2 है इसके पोर्ट नंबर कैसे शो करेगा आपको, 2/0/1, 2/0/2, इस तरह से शो करेगा। वेट करो, ये थोड़ा टाइम लेगा, और फिर उसके बाद में एक और काम करेंगे हम लोग। ये दोनों स्विचेस हमने क्या किए, कंबाइन किए, और कंबाइन करके इनको एक लॉजिकल स्विच बना दिया, और इनके बीच में ये स्टैक केबल हमने क्या करी हुई है, कनेक्ट कर लेंगे। और यहां पे पोर्ट नंबर क्या होगा इसका, ये स्विच 1 है उसको नंबर क्या दिया हुआ है, 1, स्विच 2 को नंबर क्या दिया हुआ है, 2, इस पोर्ट का नंबर क्या रहेगा, 1/0/1। यहां पे R1 अटैच कर लेंगे हम लोग, और यहां पे R2 कनेक्ट कर लेंगे, इसको नंबर, ये पोर्ट नंबर क्या होगा, 2/0/2। एक्सेस क्या करेंगे, स्विच वन पे एक वहां पे विलन बनाएंगे, कंबाइन हो चुके हैं दोनों स्विचेस, एक लॉजिकल स्विच बन चुका है, एक विलन बनाऊंगा, कौन सा विलन, 10, और इसमें मैं 2 पोर्ट असाइन करवाऊंगा, 1/0/1 एंड 2/0/2। तुम देखोगे ये दोनों लाइन यूजर एक दूसरे से क्या कर पा रहे होंगे, कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। बात आ रही है ना समझ में, क्लियर है ये चीज। ये देखो सामने, ये क्या बोल रहे हैं, दोनों पोर्ट पे स्टैक पोर्ट थे 2, किसी पे भी केबल नहीं थी, इस स्विच को नंबर क्या मिल गया। और यहां पे कभी देखना तुम लोग स्विच रिस्टार्ट करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाता होता है लास्ट में,
अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे शो स्विच में आउटपुट, शो स्विच। तो शो स्विच में देखो, ये वो ओल्ड वाली इन्फॉर्मेशन है इसकी, चली जाएगी ये। इस स्विच का नंबर क्या है जिसके आगे स्टार लिखा हुआ है, वो खुद है ये। इसका नंबर क्या मिला हुआ है इसको, टू। इसका नंबर क्या मिला हुआ है, टू। और ये क्या है, मास्टर। और ये क्या है इसका, मैक एड्रेस। और इसकी प्रायोरिटी कितनी है, और ये क्या है, रेडी है। इसके पोर्ट नंबर अब दिखाऊं मैं कैसे दिखा रहा है, आईपी इंटरफेस ब्रीफ कैसे हो गए हैं। ये किसके हैं, ये इस पे दो है, वो पुराने वाले क्या हैं। ये देखो, ये पोर्ट किस स्विच के स्टार्ट, और देख लो पोर्ट अब भी कौन से हैं, 19। अरे ये तुम्हारे वो ट्रंक पोर्ट है ना, स्विचेस के बीच में जो लिंक कनेक्टेड है। तो एक्चुअली इसको पोर्ट नंबर क्या मिल चुके हैं, 2/0/6 स्टार्ट हो चुके हैं। और ये वाले पोर्ट देखना यहाँ पे 1/0/19/21, ये वाले डाउन दिखा रहे हैं। एक्चुअली वो स्विच वन जो है वो रैंडम है, कोई स्विच ऐड होगा तब वो उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। अभी उस स्टैक वाइज में कोई स्विच नंबर वन है नहीं, अभी एक ही स्विच है स्टैक वाइज में, अभी स्विच वन। कोई केबल कनेक्टेड है नहीं इसलिए कोई दूसरा स्विच है नहीं, वो एम ही दिखा रहा है आपको। उसका मैक एड्रेस भी नहीं है, देख लो मैक एड्रेस 0000 दिखा रहा है। और ये मेंबर है, मास्टर कौन है, स्विच वन है, और ये रेडी है। और इसके नंबर क्या होंगे पोर्ट नंबर 2/0 से, ये देखो ये पोर्ट आपको अप भी दिखा रहा है, पोर्ट नंबर 19 to 24 पोर्ट स्विचेस के बीच में यूज हो रहे हैं। अब एक काम करते हैं, मास्टर स्विच हमारा कौन बनना चाहिए, स्विच वन बनना चाहिए। तो स्विच वन पे जाके मैं प्रायोरिटी चेंज कर दूं उसकी, स्विच वन प्रायोरिटी 1 to 15 सेट कर सकते हो। मैंने कितनी सेट कर ली, 15। कंफर्म करो, चेक कर ले शो स्विच में आपको। ये देखो स्विच वन ये मास्टर बना हुआ है, ये इसका मैक एड्रेस है, और ये इसकी क्या है, प्रायोरिटी। और स्विच टू पे चल लो, शो स्विच, इस पे प्रायोरिटी कितनी है, वन है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब जब स्विचेस पे केबल कनेक्ट करने के बाद में स्विचेस को जब हम लोग रिस्टार्ट करेंगे तो मास्टर कौन बन जाएगा, स्विच वन, स्विच वन मास्टर बन जाएगा। और हाँ, वेरीफाई करने के लिए एक और काम करेंगे, इनके मैक एड्रेस भी मैं क्या कर लेता हूं, सेव कर लेता हूं। ये स्विच वन का मैक एड्रेस है, याद रहेगा ना, पता चल जाएगा ना कौन सा मास्टर है कौन सा वो है। ये स्विच टू का मैक एड्रेस है, ठीक है। और अब हम लोग इनके बीच में स्टैक वाइज केबल कनेक्ट कर लेते हैं। अरे सामने देख लो, और जैसे ये केबल कनेक्ट करी ना, ये क्या बोल रहे, स्टैक मर्ज हुआ है, अभी दो स्विचेस के बीच में स्टैक केबल कनेक्ट हुई है, ठीक है। या फिर वो क्या बोल रहे हैं, केबल क्या हुई होगी, डिसकनेक्ट हुई होगी। तो केबल हमने ऐड करी थी ना, तो स्विच क्या हो रहा है अभी, ये रीलोड, ठीक है। तो वेट करो, अब स्विच वन मास्टर स्विच है, दूसरा स्विच रीलोड हो रहा है, रीलोड होने दो। Thank you.
ये देखो ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बोल रहा है पोर्ट नंबर टू पे, क्या बोल रहा है? यहाँ पे एक स्विच ऐड हो चुका है और उसके पोर्ट आप आ रहे हैं इस स्विच पे, दिखाता हूँ ये देखो, स्टैक पोर्ट जो है वो स्विच वन का अप आया, जैसे सामने वाला स्विच अप आया, सामने वाले स्विच के अप आते ही इसका जो पोर्ट नंबर है वो क्या हो गया, एक अप हो गया है ना। और ये क्या बोल रहा है, स्विच टू ऐड हुआ है इस स्टैक में, स्विच वन पे क्या बता रहा है, स्विच टू हुआ क्या यहाँ पे ऐड है ना, और स्विच टू क्या है अभी रेडी है, स्विच स्टैक पोर्ट नंबर वन स्विच टू पे। अब स्विच टू का जो पोर्ट नंबर, स्टैक पोर्ट नंबर कौन सा है, वन है, वो भी क्या हो गया, ये स्टैक पोर्ट नंबर थे ना यार, इस पे दो स्टैक पोर्ट थे, एक ये रहा एक ये रहा, एक दूसरा क्या पड़ा हुआ है अभी फ्री पड़ा हुआ है, ये पोर्ट नंबर वन पे हमने केबल क्या करी है कनेक्ट करी, और सेकंड पोर्ट जो है वो अभी क्या है फ्री है, हमने यूज नहीं किया। तो ये वो आपको लॉग मैसेज में बता रहा है कि हाँ भाई स्विच टू का पोर्ट नंबर जो है, स्टैक पोर्ट वन जो है वो क्या हो गया है, अप हो गया है। एक बार फिर से इसने डाउन किया क्या, स्विच वन रेडी है, स्विच टू भी आपका रेडी है ना। तो अब ये जो पोर्ट नंबर भी दिखा रहा है तुम्हें, कौन से पोर्ट नंबर दिखा रहा है, स्विच टू के, स्विच वन के तो इस स्विच पे पहले से ही क्या थे स्विच पोर्ट्स, हमने एक्सेस ही क्या किया हुआ है, स्विच वन के पोर्ट तो पहले से ही क्या थे, अब इसमें स्विच कौन सा ऐड हुआ है, स्विच टू नया ऐड हुआ है, तो इसके पोर्ट भी यहां पे क्या हो गया मर्ज, अरे स्विच टू भी स्विच में क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है ना, कंबाइन होकर एक स्विच बन चुका है, तो इस पे नए पोर्ट ऐड हो गए अब कौन से, स्विच टू के। तो इसलिए वो पोर्ट क्या बता रहा है, अब ये नए पोर्ट इसके अप आए थे, आगे पोर्ट अप। और स्विच ये कौन सा स्विच था, एक्चुअली स्विच टू था ना, एंटर प्रेस करूं, नेम देखना क्या बता रहा है, एक्चुअली ये स्विच कौन सा एक्सेस हो रखा है, स्विच वन ही है वो, स्विच टू अब है ही नहीं यहां पे, कोई कंबाइन हो चुके हैं वो, लॉजिकल एक स्विच बन चुका है, एक ही स्विच दिखाएगा, ये जो होस्ट नेम है किसका है, स्विच वन का है, मास्टर का ही है, ये होस्ट नेम किसका है, मास्टर स्विच का है, एक्चुअली मास्टर स्विच ही एक्सेस हो रखा है ये। अब देखो मैं यहां पे कमांड रन करूंगा शो स्विच, शो स्विच में यहां पे आपको दो स्विचेज शो कर रहा है, मास्टर कौन बना हुआ है जिसकी प्रायोरिटी क्या है, और ये मैक एड्रेस किससे, किस स्विच का है, स्विच वन का है ना, और ये देखो ये मेंबर है, स्लेव है ये, और इसकी प्रायोरिटी कितनी है, वन है, और ये मैक एड्रेस किसका है, और ये दोनों जो स्टेट बता रहे हैं दोनों की क्या है, रेडी है। अब देख लो अभी पोर्ट नंबर दिखाता हूं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये पोर्ट नंबर 1/0/ वाली जो रेंज है वो किसकी है, स्विच वन के पोर्ट्स हैं, और ये दूसरे वाले स्विच टू के पोर्ट्स हैं। अब एक काम करेंगे, अब मैं दो राउटर एक्सेस कर लेता हूं, R1 एंड R2, R2 को मैं किस पोर्ट पे कनेक्ट कर लूंगा, इस पोर्ट पे, और R2 को कंबाइन होके एक स्विच तो सिंगल ही बन गया ना, ये अब बात आ रही है समझ में। तो अब देखो मैं एक पहले R1 एक्सेस करूंगा, R1 क्लियर लाइन 33 R1 उसने मिस R1 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.1 है ना, और इसका तो मैंने 0/0 पोर्ट क्या कर दिया, अप कर दिया, इस लाइन यूजर का पोर्ट नंबर कौन सा अप करोगे,
जीरो बाय टू, बिकॉज इसका जो जीरो बाय वन है वो किस पे कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर वन बाय जीरो बाय टू पे कनेक्टेड है। हमने कौन सा अप करना है पोर्ट, जो पोर्ट टू बाय जीरो बाय टू से कनेक्टेड है, टू बाय जीरो बाय टू से ये वाला पोर्ट अटैच है ना, तो स्विच टू को एक्सेस कर लेते हैं। इस पे नो आईपी राउटिंग भी बोल देता हूं मैं, नो आईपी राइट क्लिक आर टू क्लियर लाइन 34 आर टू होस्ट नेम इज आर टू नो आईपी राउटिंग इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 बाय 1 को मैं इस बार आईपी कॉन्फ़िगर करूं डॉट टू। अच्छा जी आईपी राउटिंग बोल ही दिया इस पे। अब देखो स्विच 1 पे आ जाओ, अब स्विच मैंने 1 एक्सेस किया है, इसके दोनों पोर्ट अब आ चुके हैं, कौन कौन से, 1 बाय 0 बाय 1 एंड 2 बाय 0 बाय 2। अब मैं एक विलेन बनाऊंगा, मैंने एक विलेन बनाया, कौन सा विलेन 10, पोर्ट कौन से असाइन करवाऊंगा, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1 बाय 0 बाय 1 कॉमा फास्ट इथरनेट 1 बाय 2 बाय 0 बाय 2 स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10। अभी दिखाऊं शो विलेन ब्रीफ में पोर्ट्स, तुम्हें ये वो सारे पोर्ट दिखा रहा है 1 बाय 0 बाय 1 से लेके 2 बाय 0 बाय वाले सारे, और विलेन 10 में कौन कौन से पोर्ट असाइन किए हैं, बात आ गई समझ में। और अब इन लैन यूजर्स को आप कम्युनिकेट करवा के देखोगे ना, ये कम्युनिकेट हो रहे हैं, इवन इनको आपस में हमने कनेक्ट नहीं कर रखा, इसको भी प्रूफ करने के लिए एक और काम करता हूं मैं, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1 बाय 0 बाय 19 टू 24 पोर्ट मैं यहां पे क्या कर देता हूं, नहीं तो तुम बोलोगे स्विच 1 एंड स्विच 2 के बीच में वो लिंक कनेक्टेड है 21 एंड 22, और भी पोर्ट मैं डाउन करूंगा कौन से, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 2 बाय 0 बाय 19 टू 24 भी मैंने क्या कर दिया, क्या हुआ से शट डाउन। अब तो इन दोनों स्विचेस के बीच में कोई लिंक कनेक्टेड नहीं है, स्टिल ये दोनों लाइन यूजर एक दूसरे से देखना अभी कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। मैं पिंग कर रहा हूं 10.1.1.2 को, रिपीट पैकेट भेजे मैंने कुछ 1000 पैकेट भेज रहा हूं मैं, और है कम्युनिकेशन, हो गए दोनों स्विचेस कंबाइन, आ गया समझ में, कुछ करना ही नहीं था हमने, हमने क्या करना था, हमने कुछ नहीं करना था, एक स्टैक वाइज केबल कनेक्ट करनी है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। जिसका मैक एड्रेस क्या होगा, लोअर होगा, वो क्या बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, जो मास्टर होगा उसको स्टैक नंबर 1 मिल जाएगा, जो दूसरा होगा उसको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अगर दोनों का 1 है तो दूसरे को क्या मिल जाएगा, स्लेव को 2 मिल जाएगा। आगे बात समझ में, एक और चीज शो इस पे नहीं दिखाऊंगा मैं तुम्हें, अरे वो हाफ डुप्लेक्स पे काम कर रहा है इसलिए यहां पे 16 दिखा रहा है, अदरवाइज स्पीड कितनी दिखाएगा, ये देखो हाफ पे कॉन्फ़िगर्ड है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन यार कैसे चेंज करते थे मुझे याद नहीं है, स्विच 1 इसकी कोई कमांड है नहीं, अरे फुल पे काम करेगा तो स्पीड कितनी दिखाएगा स्टैक वाइज की, 32 दिखाएगा, हाफ पे दिखा रहा है इसलिए 16 दिखा रहा है, इतना बहुत है, ये स्टैक वाइज था ठीक है। कर दूं बंद, अरे अगर इनको रीनंबर नहीं करोगे और दोनों स्विचेस को नंबर क्या मिला हुआ है स्टैक में, स्टैक वाइज केबल ऐड करने से पहले 1 मिला हुआ है, तो जो मास्टर है उसको 1 ही रहेगा, जो स्लेव है उसको हम क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट स्विच और कोई ऐड होता है उसका भी नंबर क्या है, 1 है, तो वो जब ऐड होगा वो भी स्लेव बनेगा तो उसको नंबर क्या मिल जाएगा, 3 ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कितने स्विचेस आप ऐड कर सकते हैं, 9। ये देखो स्विच 1 री नंबर, टोटल 9 स्विचेस हो सकते हैं एक स्टैक वाइज में, तो 9 स्विचेस को आप एग्रीगेट करके एक सिंगल वर्चुअल स्विच बना सकते हैं। क्या नहीं 9 ही यूज है, क्लियर है ये चीज,
ये तो बात होगी स्टैक वाइज की। अब बात करेंगे हम लोग VSS की। VSS stand for है चैसी, पता है तुम लोगों को क्या होती है? मल्टी लेयर स्विच, देखें सुना है नाम। मल्टी लेयर स्विच में क्या होता है, चैसी स्विचेज होते हैं वो तुम्हारे इस तरह से। जो मल्टी लेयर स्विचेज आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? 4500 सीरीज के स्विचेज हैं, 6500 सीरीज के स्विचेज हैं। अब ये मल्टी लेयर स्विच, यार तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, इसमें लाइक दो सूट कार्ड लगते हैं और बाकी लाइन कार्ड्स लगते हैं। लाइन कार्ड्स के ऊपर क्या होते हैं, RJ45 के पोर्ट्स होते हैं ना। एक बात बता दूं, इन चेसी स्विचेस के अंदर, इन मल्टी लेयर स्विचेस के अंदर, 4500 सीरीज के स्विचेस के अंदर या 6500 सीरीज के अंदर, अगर आपने इन दोनों स्विचेस को कंबाइन करके एक लॉजिकल स्विच बनाना है, अगर इन दोनों स्विचेस को आपने कंबाइन करके अगर लॉजिकल स्विच बनाना है, तो यहां पे स्टैक वाइज केबल यूज नहीं होती। यहां पे स्टैकिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता। स्टैकिंग का ऑप्शन किसमें मिलेगा आपको? 3700 सीरीज के स्विचेस में और 3800 सीरीज के स्विचेस में आपको स्टैक वाइज का ऑप्शन मिलेगा, स्टैक पोर्ट देखने को मिलेंगे। बट आपको मल्टी लेयर स्विचेस पे, 4500 सीरीज के स्विचेस पे या 6500 सीरीज के स्विचेस पे आपको स्टैक वाइज का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो अगर उनको आपने क्या करना है, कंबाइन करके एक लॉजिकल स्विच बनाना है, तो कैसे बनाओगे? एक मिनट, अरे सुन लो। तो अगर ये मेरे पास में जैसे 4500 सीरीज के स्विचेस हैं, अगर इनको आपने दोनों को क्या करना है, कंबाइन करके एक लॉजिकल स्विच बनाना है, तो आपको यहां पे स्ट्राइकिंग का ऑप्शन तो मिलेगा नहीं। हमारे पास में यहां पे ऑप्शन किस चीज का है? वर्चुअल स्विच सिस्टम, VSS। VSS यूज करके आप इन दोनों फिजिकल स्विचेस को, इन मल्टी चेसी स्विचेस को आप क्या कर सकते हो, इन चेसी स्विचेस को आप क्या कर सकते हो, एग्रीगेट करके एक लॉजिकल स्विच बना सकते हो। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है वो बात कर लेते हैं। एक तो इसका प्रैक्टिकल यहां पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें मल्टी लेयर स्विचेस चाहिए होंगे। मल्टी लेयर स्विचेस आपको यहां पे मिलेंगे नहीं। बता देता हूं इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे, कमांड बता दूंगा, कमांड लिख लेना। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों स्विचेस के बीच में ये मैंने दो लिंक क्या कर लिए, कनेक्ट कर लिया, और इनको आप एक ईथर चैनल में फॉर्म करवा लोगे। लाइक मेरे पास में ये 2 GB पोर्ट थे या मेरे पास में 8 GB पोर्ट थे, 4 GB पोर्ट मैंने यूज किए और इनको क्या कर लिया, मैंने एक ईथर चैनल में मैंने क्या कर लिया, फॉर्म करवा लिया। इस ईथर चैनल को ना हम लोग यहां पे बनाते हैं, इस ईथर चैनल लिंक को यहां पे VSS के लिए इसको बोलते हैं VSL, वर्चुअल स्विच लिंक, सिस्टम लिंक होता है, स्विच लिंक होता है, जो भी है, एक VSL लिंक बनेगा, जो ये ईथर चैनल आपका बनेगा। जो भी आपका डेटा ट्रैफिक होगा और जो कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक कैरी करेगा, वो इन दोनों के बीच में इस वाले लिंक से, VSL लिंक से कैरी करेगा। और इन दोनों में से वहां पे मास्टर एंड स्लेव बनते थे, यहां पे एक स्विच क्या बनेगा आपका, एक्टिव, और दूसरा क्या बनेगा, स्टैंड बाय। अब यहां पे एक्टिव स्विच कौन सा बनेगा, जिसकी प्रायोरिटी क्या होगी, जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी वो स्विच क्या बन जाएगा, वो स्विच एक्टिव बन जाएगा। ठीक है, और जिसकी प्रायोरिटी लोअर है वो क्या बनेगा, स्टैंड बाय स्विच बनेगा। ठीक है, और ये पूरा VSS को जो कंट्रोल करेगा वो कौन कंट्रोल करेगा, एक्टिव स्विच। और जो कंट्रोल प्लेन जो कंट्रोल करेगा वो कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल प्लेन किसका यूज हो रहा होगा, एक्टिव स्विच का यूज हो रहा होगा। बात आ रही है समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल
इस स्विच पे कुछ पोर्ट्स हैं RJ45 के, जिसपे लैन यूजर क्या है, कनेक्टेड है मास्टर स्विच पे। इसी तरह से इस पे भी कुछ RJ45 के पोर्ट्स हैं और इस पे भी कुछ लैन यूजर कनेक्टेड है, ठीक है। ये कंबाइन हो गया, एक सिंगल स्विच बन चुके हैं ना। तो अब होगा क्या, यहां पे STP भी चल रहा होगा या CDP भी चल रहा होगा, जो भी आपका लेयर 2 प्रोटोकॉल चल रहा है। तो ये स्विच क्या करेगा, कोई भी CDP का मैसेज है वो हर एक पोर्ट से क्या करेगा, ट्रांसमिट करता है। तो इस पोर्ट से ट्रांसमिट होगा, अब इस वाले पोर्ट से भी तो ट्रांसमिट करना है। कंट्रोल प्लेन किसका यूज हो रहा है, एक्टिव का। तो अब इन पोर्ट से वो कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक स्टैंड अलोन स्विच पे किससे आएगा, इस VSL लिंक से आएगा। और VSL लिंक फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक ईथर चैनल फॉर्म करवाना पड़ेगा। और इस VSL लिंक में आप जो पोर्ट आप एग्रीगेट करवा सकते हो, मैक्सिमम 8 लिंक्स आप एग्रीगेट करवा सकते हो, ठीक है। तो वो आपका कंट्रोल प्लेन लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम जो भी उसने यूज करनी है यूज करके वो ट्रैफिक यहां पे आएगा और वो लेयर 2 ट्रैफिक आपका यहां पे चला जाएगा। और हां, अब जो डेटा ट्रैफिक है वो भी इस लैन यूजर ने इस लैन यूजर को कम्युनिकेट करना है। जो डेटा ट्रैफिक होगा वो तो इसी स्विच के थ्रू जाएगा, बट अगर इस लैन यूजर ने इस लैन यूजर को कम्युनिकेट करना है तो ये जो डेटा ट्रैफिक आ रहा होगा जो सामने वाले यूजर के पास में जाना है वो किस लिंक से जाएगा, VSL लिंक से जाएगा। मतलब VSL लिंक से आपका कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक भी कैरी करेगा और डेटा प्लेन ट्रैफिक भी कैरी करेगा। बट हां, अगर सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों स्टैंड अलोन स्विच पे है तो आपका VSL लिंक पे डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा डेटा प्लेन ट्रैफिक। अगर मेरा सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ यूजर्स आर ऑन स्टैंड बाय स्विच, देन VSL लिंक पे कोई डेटा ट्रैफिक वो फॉरवर्ड नहीं करेगा, यहीं से ट्रैफिक फॉरवर्ड हो जाएगा। बट हां, मेरा सोर्स स्टैंड बाय पे है, मेरा डेस्टिनेशन किस पे है, एक्टिव पे है, या फिर सोर्स मेरा एक्टिव पे है और डेस्टिनेशन किस पे है, स्टैंड बाय पे है। इन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो जो डेटा ट्रैफिक है वो भी किस लिंक से जाएगा, VSL लिंक से जाएगा। क्लियर है ये चीज, आगे बात समझ में। तो अब अगर मैं बात करूं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहेगी इसकी, कुछ नहीं करना आपने यहां पे, सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है। इथर चैनल आता है ना बनाना, इन दोनों चार पोर्ट अटैच है, इन चारों पोर्ट पे आप रेंज कमांड से इन सभी पोर्ट पे चले जाओगे और उन पोर्ट्स पे एक कमांड रन करोगे। देखो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक डोमेन नेम डोमेन नंबर देना पड़ेगा। जैसे मैं स्विच वन पे हूं, को कितने स्विच थे, दो स्विचेस थे ना, स्विच वन है ये हमारा एंड दिस स्विच इज स्विच टू। तो स्विच वन पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और स्विच वन को मैंने क्या बनाना है, मास्टर बनाना है, एक्टिव बनाना है, और स्विच टू को क्या बनाना है, स्टैंड बाय बनाना है। तो कैसे, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, स्विच वन पे क्या क्या कमांड रन करोगे, इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके कमांड रन करोगे, स्विच वर्चुअल डोमेन, डोमेन नंबर कोई भी चलेगा, डोमेन नंबर कोई भी दे सकते हो, और दोनों स्विचेस पे जो वो डोमेन नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, एक ही डोमेन में रखेंगे दोनों स्विचेस को। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, सिंपल सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है आपने, उसके बाद में स्विच को क्या मिल जाएगा, स्विच नंबर। जैसे मैंने क्या दे दिया, स्विच वन, और सामने वाले स्विच को नंबर क्या दे दिया आपने, स्विच टू। अरे जैसे वहां पे नंबर होते थे, अरे पोर्ट नंबर जो शो करेंगे फिर उनको भी तो नंबर मिलेंगे कुछ, समझ में आ रही है बात, क्लियर है इतनी चीज। तो स्विच नंबर दोगे, और इस स्विच पे स्विच वन की प्रायोरिटी मैंने क्या सेट कर दी, 110, और स्विच टू की प्रायोरिटी क्या सेट कर दी यहां पे, 100। दोनों स्विच पे कमांड चलेगी ये वाली। देखो स्विच वन पे क्या क्या कमांड चलाई, पहले इसको एक डोमेन नेम को डोमेन नंबर दिया, स्विच टू पे भी सेम कमांड चलेगी, इसको स्विच को नंबर क्या दे दिया मैंने 1, स्विच टू पे नंबर क्या दे दिया 2, और उसके बाद में स्विच वन की प्रायोरिटी कितनी सेट कर दी, 110। स्विच वन मैंने इसको बोला स्विच टू की प्रायोरिटी कितनी है, 100 है, और सेम कॉन्फ़िगरेशन कहां पे करोगे आप, स्विच टू पे। बस यहां पे आपने थोड़ा चेंज करना है, स्विच नंबर चेंज करना है, और बाकी सब कुछ क्या रहेगा सेम। उसके बाद में मैंने क्या किया, एक इंटरफेस पोर्ट चैनल बनाया, कौन सा,
वन। इवन ये कमांड भी चलाने की जरूरत नहीं आपको, आप डायरेक्टली किस पे चले जाओ, आप उन सभी इंटरफेसेस पे चले जाओ जिसको आपने VSL लिंक बनाना है, और VSL लिंक पे जाके आपने कमांड रन करनी है चैनल ग्रुप वन। अरे इथर चैनल फॉर्म करवाने की कमांड याद है ना, तो चैनल ग्रुप जो भी नंबर देना है ग्रुप नंबर, मोड क्या रख लिया ऑन, तो मैंने स्टैटिक इथर चैनल की कमांड रन करी है, मोड ऑन है मतलब स्टैटिक इथर चैनल है, सामने भी सेम कमांड चलेगी ये वाली, हो गया इतना। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आप उस इंटरफेस पे जाओगे, हम आपको याद है हम लोग पोर्ट चैनल पे जाते थे कमांड चलाते थे इंटरफेस, अब यहां पे पोर्ट चैनल बन चुका है, कौन सा पोर्ट चैनल वन, इंटरफेस पोर्ट चैनल वन, जैसे आप इंटरफेस करोगे उस पोर्ट चैनल में चले जाओगे और पोर्ट चैनल पे जाके आप एक कमांड एग्जीक्यूट करोगे, आप कौन सी वाली, स्विच वन, स्विच वर्चुअल लिंक वन, स्विच वर्चुअल लिंक वन, ये आपका लिंक जो है वो क्या बन जाएगा, पोर्ट चैनल, वो आपका एक VSL लिंक बन जाएगा, कौन सा वन, जिसपे मेरा कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक और डेटा प्लेन ट्रैफिक क्या करेगा, कैरी करेगा, और सेम ही कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा स्विच टू पे करनी है, स्विच टू पे वो डोमेन नेम सेम है, बस स्विच नेम चेंज करना है, प्रायोरिटी स्विच वन की सेम वही 110, यहां पे कितनी है 100, और पोर्ट चैनल मैंने आपको एक टू बना लिया और उसको VSL नंबर क्या दे दिया उसको, तो कोई भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है VSL नंबर आप, बट हाँ ये किसका रहेगा वैसे, जो ईथर चैनल फॉर्म करवा रहे हो उसका नंबर रख लेना, किसमें VSL में, और इसको क्या बोल दो नो शटडाउन, और जाके उन पोर्ट्स को आप ईथर चैनल में क्या करवा दो, ऐड करवा दो, ये इनको जो VSL है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को जो सेटिंग्स है उसको रीस्टार्ट करने के लिए, इलेक्शन वगैरह होनी स्टार्ट हो जाएगी, इतनी कमांड है यहाँ पे, आपको आप ये कमांड चला ही नहीं पाओगे, ये कमांड्स जो है वो किस में चलेगी, मल्टीलेयर स्विचेस पे चलेगी, 4500 सीरीज के स्विचेस पे आप रन कर सकते हो एंड 6500 सीरीज पे रन कर सकते हो, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, देखो मैंने एक यूज बताया था आपको किस चीज का, स्टैकिंग का क्या यूज था, अगर मेरे पास में और सिस्टम ऐड हो रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं मल्टीपल स्विचेस अटैच करूं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए मुझे ईथर चैनल फॉर्म करवाना पड़ेगा, सारे के सारे पोर्ट वहीं पे क्या हो जाएंगे, आपके ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, तो हम लोग क्या किया था हमने वहां पे, हमने स्टैक वाइज यूज करके कंबाइन करके एक सिंगल स्विच बना लिया था, एक तो यूज ये था, अब बताता हूं दूसरा यूज क्या है स्टैक वाइज का। अब देखो एक्चुअली एक हमारा सिस्को हायरार्किकल मॉडल होता है ना, जिसमें आपकी सबसे ऊपर कौन सी लेयर होती है, कोर लेयर, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक होती है एक्सेस लेयर। एक्सेस लेयर पे जो आपके डिवाइसेस अटैच होते हैं वो आपका कौन से अटैच कर सकते हो, 2950 के, 3550, 3850 आप अटैच कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे जो आप स्विचेस अटैच करते हो वो कौन से स्विचेस अटैच करते हो, आप 4500 सीरीज के स्विचेस अटैच करते हो। तो बात करेंगे हम लोग यहां पे इन दो लेयर्स की, एक्सेस लेयर की एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की। तो यहां पे एक्सेस लेयर पे कुछ स्विचेस अटैच है मेरे पास में, फोर स्विचेस अटैच है, तो इन सभी स्विचेस को आप किससे कनेक्ट करोगे, ये सारे के सारे लाइन यूजर जो है वो किस पे कनेक्टेड होंगे, अरे लाइन यूजर इन्हीं एक्सेस लेयर के स्विचेस से कनेक्ट होते हैं ना, ये हमारे पास में स्विच वन है, स्विच टू है, स्विच थ्री है एंड स्विच फोर है, और ये अपर लेयर किससे कनेक्टेड होंगे, यहां पे वो लेट्स सपोज दो 4500 सीरीज के स्विचेस रखे हैं रिडेंडेंसी के लिए, ठीक है, तो ये जितने भी स्विचेस होते हैं ये इससे भी कनेक्ट है, इस पे केबल आ रही है, ये से कनेक्टेड है, ये से कनेक्टेड है, और ये स्विच भी स्विच वन इन दोनों से कनेक्टेड है। अरे एक स्विच डाउन हो गया फिर क्या करोगे, इस स्विच को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के एक ही स्विच से कनेक्ट नहीं करूंगा, अगर ये लिंक डाउन हो गया तो फिर दिक्कत है ना, या फिर ये स्विच डाउन हो गया तो फिर प्रॉब्लम है ना, तो यहां से कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाना चाहिए ना, तो मेरे पास में दो
डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे स्विचेस पड़े हैं, ये हमारे पास में स्विच है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के, स्विच वन एंड स्विच टू। अब यहां पे एसटीपी भी चल रहा होगा, अब यहां पे एसटीपी चल रहा होगा है ना। तो एसटीपी क्या करेगा, अब ये दोनों लिंक तो एट ए टाइम यूटिलाइज हो ही नहीं पाएंगे। यहां पे एक लैन यूजर है, यहां पे एक लैन यूजर है, इन्होंने कम्युनिकेट करना है, ये विलैन 10 में, ये विलैन 20 में, क्या दोनों ये या फिर दोनों के दोनों लैन यूजर विलैन 10 में है, क्या दोनों लिंक यूटिलाइज होंगे। लेट्स सपोज ये वाला स्विच क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज बना हुआ है, तो इसके सारे के सारे पोर्ट क्या हो जाएंगे, ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा आरपी, और ये वाला पोर्ट क्या हो जाएगा, इसका बीपीडी यहां से होता हुआ यहां पे आएगा ना, तो ये वाला पोर्ट क्या हो जाएगा ब्लॉक। तो इन दोनों लैन यूजर्स ने अगर बाहर किसी को भी कम्युनिकेट करना है, डेटा ट्रैफिक इसी लिंक से जाएगा, एक ही लिंक क्या हो रहा होगा यूटिलाइज, दोनों लिंक यूटिलाइज होंगे, दोनों लिंक तो यूटिलाइज हो ही नहीं रहे होंगे। ऐसे ही ये जो लैन यूजर है इसने कम्युनिकेट करना है, तो एक ही लिंक यूटिलाइज हो रहा होगा, ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा आरपी, और ये वाला पोर्ट ब्लॉक, ये वाला पोर्ट आरपी और ये वाला पोर्ट ब्लॉक, ये वाला पोर्ट आरपी और ये वाला पोर्ट ब्लॉक। तो आपको यहां पे रिडंडेंसी तो मिल रही है बट लोड बैलेंसिंग नहीं मिल रही है। एक लिंक जब ये लिंक डाउन होगा तब ये लिंक यूटिलाइज होगा, बट अगर ये लिंक आपका अप है ये वाला लिंक यूटिलाइज नहीं हो रहा होगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, लोड बैलेंसिंग अचीव करने के लिए, सारे के सारे लिंक यूटिलाइज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन मल्टीपल जो ये फोर स्विचेज हैं इनको हम लोग एग्रीगेट करवा के एक लॉजिकल स्विच भी बना सकते हैं ना। तो अब वो फिर कैसे बनेगा, ये लो, ये वो हमारे फोर स्विचेस थे, स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री एंड स्विच फोर। हमने क्या किया, हमने इनको एग्रीगेट करवाया और एग्रीगेट करवा के एक लॉजिकल स्विच बना लिया। और ये थे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस, ठीक है। अब पहले जो लिंक कनेक्टेड थे वो कैसे लिंक कनेक्टेड थे, अब आप कैसे कनेक्ट कर लोगे इनको, अरे एक ही स्विच है ना, अब ये अरे स्विच तो एक ही है, एक केबल किस पे आ रही होगी, इस पे आ रही होगी, इसकी भी एक केबल किस पे आ रही होगी, इस पे आ रही थी, और इसकी एक केबल यहां पे भी जा रही थी, यहां पे भी जा रही थी, और ये यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे, और ये यहां पे, ऐसे ही था कुछ। पर अब हमने इनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके इनको एक ही स्विच बना दिया है ना। तो बट अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी, अब क्या प्रॉब्लम है बोलो। अब मैं यहां पे ईथर चैनल तो फॉर्म नहीं करवा सकता ना, क्या मैं ईथर चैनल फॉर्म करवा सकता हूं, नहीं, मैं ईथर चैनल तो फॉर्म नहीं करवा सकता यहां पे। या फिर ये आपको कैसे दिखेगा, ये स्विच, ये स्विच आपको एक सिंगल स्विच दिखाई दे रहा ना, आपको विजिबल कैसे होगा, ये कुछ इस तरह से विजिबल होगा, अरे स्विच तो एक ही है ना, ये मास्टर ही क्या करेगा, अरे फिजिकली मास्टर से क्यों कनेक्टेड होगा, अलग अलग पे कनेक्टेड होगा ना, सारे के सारे क्या अब एक ही तो है, अरे कंबाइन हो चुके हैं, अब वर्चुअल एक ही बन चुके हैं इन पे, ये मान के ये चलेगा, मेरे एक ही स्विच पे क्या आ रही है, केबल आ रही है, ये स्विच कौन सा था, वन स्विच कौन सा था, टू स्विच कौन सा था, थ्री स्विच कौन सा था, फोर, तो ये केबल कौन से पे कनेक्टेड है, वन बाय जीरो बाय वन पे, ये टू बाय जीरो बाय वन पे, ये थ्री बाय जीरो बाय वन पे, ये फोर बाय जीरो बाय वन पे, ये टू बाय जीरो बाय टू पे, सॉरी वन बाय जीरो बाय टू पे, टू बाय जीरो बाय टू पे, थ्री बाय जीरो बाय टू बाय जीरो बाय थ्री पे, टू बाय जीरो बाय, हाँ हाँ थ्री बाय, सॉरी वन बाय जीरो बाय
1/0/2, 1/0/2, 1/0/2/0 जो इस पे कनेक्ट होगा, और 3/0/2, 4/0/2 पे कनेक्टेड होगी। अरे ये कंबाइन होके एक ही लॉजिकल स्विच बन चुका है ना, कंबाइन होके स्विच बन गया, मतलब किसी भी अपने स्विच में चारों चारों केबल एक ही स्विच पर। अरे फिर दिक्कत है ना, अरे इन पे जाएगी ये केबल, ये इस पे जा रही है, इस पे जा रही है, अरे है तो वैसे ही, अरे सिनेरियो वही है तुम्हारा, अरे यही तो सिनेरियो है आपका। और ये इनको मैंने क्या कर दिया, कंबाइन करके एक लॉजिकल स्विच बना दिया। अब ये क्या बन चुका है, एक लॉजिकल स्विच बन चुका है, ठीक है। तो इसकी सारी की सारी केबल एक ही स्विच पे तो जा रही है, और इसकी सारी चारों केबल एक ही स्विच पे तो जा रही है, तो लॉजिकल तो ये बन गया ना तुम्हारा। और अब मैं क्या करूंगा यहां पे, अब मैं पहले ये दोनों लिंक यूटिलाइज कर पा रहा था क्या, एक लिंक, जब एक लिंक आरपी बना था ये क्या हुआ था ब्लॉक, अब मैं ये दोनों लिंक क्या कर सकता हूं यूटिलाइज। मैं क्या करूंगा, अब ये एसटीपी चल रहा होगा तो एक पोर्ट क्या बनेगा आरपी, और इन पोर्ट को क्या कर देगा वो ब्लॉक ना। मैं क्या करूंगा, बंडलिंग करवा सकता हूं इनके, करवा दी बंडलिंग। बट अब प्रॉब्लम है, फिर से प्रॉब्लम क्या है कि अभी वो भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये स्विच क्या बना हुआ है मेरे पास में, रूट ब्रिज बना हुआ है, तो ये वाला पोर्ट चैनल क्या बन जाएगा डीपी, और ये वाला पोर्ट चैनल आरपी, ये वाला पोर्ट चैनल डीपी, और ये वाला पोर्ट चैनल आरपी, सारे के सारे लिंक क्या हो रहे होंगे यूटिलाइज हो रहे होंगे। बट ये स्विचेस भी आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, ये स्विचेस भी एक दूसरे से आपस में इस तरह से क्या होते हैं, कनेक्टेड। तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी, इनमें से एक पोर्ट चैनल किसमें चला जाएगा, ब्लॉकिंग स्टेट में। अभी भी डेटा इन सभी लैन यूजर ने कम्युनिकेट करना है तो इसी पोर्ट चैनल से जाएगा, ये पोर्ट चैनल क्या हो गया तुम्हारा, अरे नहीं हो जाएगा क्या ब्लॉक ये। हमने यहां पे क्या किया था, अगर मेरे पास में ये स्विच वन है और ये स्विच कौन है टू, और रूट ब्रिज कौन है स्विच वन, और हमने यहां पे क्या कर रखा है, इन पोर्ट्स को क्या करवा रखा है, हमने बंडल करवा के यहां पे एक पोर्ट चैनल बनाया हुआ है पोर्ट चैनल 10, और इन सभी पोर्ट को पोर्ट चैनल 10 में, पोर्ट चैनल यहां पे 20 में, और पोर्ट चैनल मैंने यहां पे 20 में ऐड करवा लिया। तो ये स्विच रूट ब्रिज बना है, तो ये इसका पोर्ट चैनल क्या हो जाएगा डीपी, ये वाला पोर्ट चैनल आरपी, तो इस पोर्ट चैनल से बीपीडीयू आगे भेजेगा तो ये वाला डीपी, और ये वाला पोर्ट चैनल आरपी, सारे के सारे पोर्ट किस में आ जाएंगे, फॉरवर्डिंग स्टेट में, सारे के सारे लिंक यूटिलाइज हो रहे होंगे। यहां पे जितने भी लाइन यूजर कनेक्टेड है, इन्होंने जब भी किसी से भी कम्युनिकेट करना है, इन दोनों लिंक से पोर्ट चैनल से डेटा जाएगा, और पोर्ट चैनल जो है वो आपके क्या है फॉरवर्डिंग स्टेट में, तो इनके फिजिकल लिंक भी किस में है फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे ना। आ रही है ना बात समझ में, दोनों लिंक यूटिलाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले यहां पे क्या हो रहा था, पहले यहां पे आधे लिंक यूटिलाइज नहीं हो पा रहे थे, ये वाला लिंक यूटिलाइज हो रहा था ये नहीं हो रहा था, ये हो रहा था ये नहीं हो रहा था, मतलब चार ही लिंक यूटिलाइज हो रहे थे। अब मैं यहां पे सारे के सारे लिंक क्या कर पा रहा हूं, यूटिलाइज कर पा रहा हूं। बट प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब ये दोनों स्विचेस भी एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। अब ये दोनों स्विचेस भी एक दूसरे से कनेक्टेड है तो होगा क्या, अब इस स्विच पे दो पोर्ट्स है, ये वाला एक पोर्ट क्या बनेगा आरपी, तो ये वाले पोर्ट पे बीपीडीयू आया, और यहां से भी इस वाले पोर्ट पे भी क्या आ रहा है बीपीडीयू आ रहा है, लोअर कॉस्ट बीपीडीयू, सुपीरियर बीपीडीयू कौन सा है, तो ये वाला पोर्ट आरपी और ये वाला पोर्ट क्या हो जाएगा ब्लॉक। अभी भी लिंक कितने यूटिलाइज होंगे, फिर से दो। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अब मैं इन दोनों स्विचेस को भी इन मल्टीलेयर स्विचेस को भी एमएलएस स्विचेस को भी क्या यूज करके, वीएसएल यूज करके, ये इस लिंक को क्या बना लिया वीएसएल लिंक, इन दोनों स्विचेस को भी मैंने क्या करवा लिया एग्रीगेट, और एग्रीगेट करवा के क्या कर दिया मैंने यहां पे एक लॉजिकल स्विच बना दिया, और अब इन पे पोर्ट चैनल कॉन्फिगर नहीं होगा, अलग अलग पोर्ट चैनल नहीं बनाएंगे। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे भी कितने स्विच है, एक स्विच, और इस स्विच पे भी कितने स्विच है, एक्सेस लेयर पे भी कितने स्विच है, एक स्विच, इनके बीच में लिंक कितने यूटिलाइज हो रहे हैं, एट लिंक ना। इनको मैंने सबको क्या किया एग्रीगेट करवाया, और इसको क्या बना लिया
ईथर चैनल में फॉर्म करवा लिया, तो ये वाला ईथर चैनल यहां पे पोर्ट चैनल डीपी बन जाएगा तुम्हारा फॉरवर्डिंग स्टेट में, यहां पे पोर्ट चैनल तुम्हारा आरपी किस में फॉरवर्डिंग स्टेट में, सारे के सारे लिंक यूटिलाइज होने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और देखो यहां पे ये दो मल्टीलेयर स्विचेस के लिंक्स को मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअली ये जो लिंक है हमारे अलग अलग स्विचेस पे है ना, और इन दोनों को मैंने क्या कर लिया यहां पे, जब भी आप ईथर चैनल फॉर्म करवाते हो ना, ईथर चैनल जब उन पोर्ट्स पे फॉर्म करवाते हो जो पोर्ट्स क्या है लोकल स्विच पे क्या है प्रेजेंट है, आप कभी क्या इस तरह से ईथर चैनल फॉर्म करवा सकते थे क्या कि ये मेरे दो स्विचेस हैं और इन दोनों स्विचेस पे दो लिंक ये हैं और दो लिंक ये हैं और सामने एक स्विच कनेक्टेड है, क्या मैं इस स्विच पे इनको एक पोर्ट चैनल में फॉर्म करवा सकता था कभी? नहीं, मैं इनको एक पोर्ट चैनल में, इनको एक पोर्ट चैनल में फॉर्म करवा सकता था। मतलब जब भी आप ईथर चैनल फॉर्म करवाते हो वो सारे के सारे पोर्ट उस लोकल स्विचेस के ही होने चाहिए, समझ में आ रही है ना बात? तो अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, हमने क्या किया, ये अलग अलग पोर्ट थे ना, अलग अलग लिंक थे अलग अलग स्विचेस के, ये भी हमने क्या किया, इन सबको कंबाइन किया और एक लॉजिकल क्या बना लिया स्विच, अब एक ही स्विच बन चुका है ये, और इन सभी लिंक को मैंने क्या करवा लिया यहां पे एग्रीगेट, बात आ गई समझ में? और ये तो मैंने एग्रीगेट करवा लिया और यहां पे ये मेरा एक लॉजिकल स्विच बन चुका था, और मेरे पास में ये दो क्या थे जैसी स्विचेस थे, ये चारों स्विचेस है ना, ये नीचे ये भी चारों स्विचेस है नीचे, अलग अलग स्विच पे केबल कनेक्ट कर रखी है, लॉजिकली तो एक ही है। मैं यहां पे क्या कर लूंगा, यहां पे तो इनको मैं ईथर चैनल में क्या करवा सकता हूं फॉर्म, क्यों फॉर्म करवा सकता हूं, ये एक ही लोकल स्विचेस पे है, बट मैं यहां पे इनको ईथर चैनल में फॉर्म करवा सकता हूं नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पे, इन दोनों स्विचेस को मैंने क्या कर लिया वीएसएल के थ्रू, और वीएसएल लिंक यूज करके वीएसएस मेरे पास में जो फीचर है वो यूज करके मैंने क्या बना लिया, इन दोनों स्विचेस को कंबाइन करके हमने एक स्विच बना लिया, और इनको भी हमने क्या कर लिया ईथर चैनल में फॉर्म करवा लिया। अब ये सारे के सारे लिंक कितने हो चुके हैं, एक ही लिंक हो चुका है, और इस लिंक को हम लोग क्या कर सकते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई लिंक डाउन नहीं होगा, सारे के सारे लिंक यूटिलाइज होंगे, सभी लिंक से डेटा जाएगा, समझ में आ रही है बात? और देखो एक्चुअली ये पोर्ट एक अलग चेसी स्विच के, ये पोर्ट जो है एक अलग चेसी स्विच पे, और इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं एक ईथर चैनल में फॉर्म करवा रहा हूं, इसको बोलते हैं मल्टी चेसी ईथर चैनल, क्या बोलते हैं इसको, मल्टी चेसी ईथर चैनल। और मल्टी चेसी ईथर चैनल अगर आपने कॉन्फिगर करना है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, उन मल्टी इन चेसी स्विचेस को आपने क्या करना पड़ेगा, पहले एग्रीगेट करवाना पड़ेगा तभी, और अब यहां पे इन दोनों के बीच में जो ये ईथर चैनल होगा, ये मल्टीलेयर स्विचेस है तुम्हारे, इनके जो अलग अलग चेसी स्विचेस के जो पोर्ट्स है वो एक ही ईथर चैनल में हम लोग क्या करवा रहे हैं फॉर्म करवा रहे हैं, उसी को हम लोग मल्टी चेसी ईथर चैनल बोलते हैं। आपकी एक बुक में आधे पेज में सबसे लास्ट में दिया हुआ है, जब वीएसएस आप पढ़ोगे उसमें देख लेना, स्टैकिंग कहां पे यूज होगी, 37, 38 पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे कौन से स्विचेस अटैच्ड होते हैं, 4500 सीरीज के स्विचेस, 6500 सीरीज के स्विचेस, उन पे कोई स्टैक पोर्ट होता ही नहीं है, समझ में आ गई बात? तो उनके बीच में आप गिग पोर्ट यूज करोगे, और गिग पोर्ट यूज करके उनको आप एक ईथर चैनल में फॉर्म करवाओगे, और उस ईथर चैनल को हम लोग क्या बना लेते हैं वीएसएस, वही हमारा क्या है वीएसएस, जो भी मेरा कंट्रोल प्लेन है, ठीक है, कौन हैंडल करेगा, जो एक्टिव बनेगा वो हैंडल करेगा, और जो भी दोनों स्विचेस के बीच में जो भी कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक कैरी करेगा, जो भी डेटा प्लेन ट्रैफिक कैरी करेगा, वो वीएसएल लिंक के थ्रू कैरी करेगा, बात आ गई समझ में, क्लियर है ये चीज? तो हम लोग जो स्टैकिंग फॉर्म करते हैं, मल्टीपल स्विच को कंबाइन करके एक लॉजिकल स्विच बनाते हैं, उसका एक बेनिफिट तो ये था ताकि हम लोग उन मल्टीपल स्विचेस को कनेक्ट करने के लिए इथरनेट पोर्ट ना यूज करें, नहीं तो वो पोर्ट वहीं पे आपके ऑक्यूपाई हो जाएंगे, ठीक है। और
जो हमारे एक्सेस लेयर के डिवाइसेज है, जब हम लोग उनको किससे कनेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे कनेक्ट करेंगे, रिडंडेंसी के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मल्टीपल लिंक यूज करने पड़ेंगे, बट कुछ लिंक क्या हो जाएंगे, एसटीपी की ब्लॉकिंग स्टेट में चले जाएंगे, तो लिंक सारे यूटिलाइज नहीं हो रहे होंगे, उनको लिंक को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, स्टैकिंग। बात आ गई समझ में, क्लियर है ये चीज, है ना?